topic this teaching career there's a lot of career we discussed in last lecture okay today we will start with the different career in teaching as you know in teaching there is also a one subject that is physical education for that what you have to do you have to do your master degree for lecturership there's a different courses available

डिपार्टमेंट मिलेगा दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो इन टीचिंग दे इज अ डिफरेंट कोर्सिस यू कैन गो फॉर इफ यू आर अ गुड इन स्पोर्ट्स इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन देन यू विल बी डायरेक्टली ऑप्टेड फिजिकल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट दैट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स देन यू गो फॉर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन देन मास्टर डिग्री ठीक है सेम आपका डिफरेंट कोर्सेज होते हैं आपके कोचिंग कैरियर में इफ़ यू आर अ वेरी गुड प्लेयर तो व्हाट यू हैव टू डू आपने कोचिंग कोचिंग साइड में जाना है आपने कोचिज बनना है तो उसके लिए क्या है उसके लिए आपको यू हैव टू गो फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको पता है ना मैंने आपको अर्लियर आपसे भी पूछा भी था ये एग्जाम में भी एस ए आई एन आई एस यू नो दैट द मीनिंग ऑफ एस ए आई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ठीक है जिसको हम पूरा बोलते हैं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन विच हमको वहां पे कोचिज की ट्रेनिंग मिलती है और ये एक आपका थ्रू आउट इंडिया लेवल का टेस्ट होता है बेटा जो उसमें कंपीट करके आगे निकलता है देरीजे ग्राउंड टेस्ट देरी मेडिकल टेस्ट देन देरी टेस्ट ऑफ योर स्किल्स वेदर यू आर स्पोर्ट्स पर्सन और नॉट कि आपने कोई सर्टिफिकेट लेके तो नहीं आप आगे हो वहां पर आपको सारी चीजों में टेस्ट करते हैं आपकी गेम से भी आपका अकेडमिकली भी आपको फिजिकली फिट भी बिकॉज दैट ट्रेनिंग इज अ वेरी वेरी हार्ड ट्रेनिंग ठीक है पूरा साल आपको वो ग्राउंड में आपको वर्कआउट करना होता है टेन किलोमीटर फिफ्टीन किलोमीटर रनिंग होती है डेली मॉर्निंग इवनिंग सेशन आपके फिजिकल गेम से रिलेटेड होते हैं ठीक है और आपको थ्योरेटिकली पार्ट भी वहां पे सारा पढ़ाया जाता है तो दैट इज द वेरी गुड प्रोफेशन आपका एज ए कोचिज योर स्टेट योर नेशन इंटरनेशनल लेवल आजकल आपने देखा होगा कोचिज के बहुत अच्छे उनके पैकेज होते हैं दोज हुआ इन नेशनल आपका जो भी नेशनल कोच होता है ठीक है दे आर गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी और इसके लिए आपको क्या है ये आपको कोर्स करना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू योर कोचिंग कोचिंग अगर आपने में इंटरेस्टेड हो आप ठीक है देन आपका आता है हेल्थ से रिलेटेड बेटा अगर आपने हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके पास साइंस है यू कैन गो फॉर एनी डिफरेंट कोर्सेज लाइक योगा ट्रेनर फिजियोथेरापिस्ट ठीक है देन यू गो फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ये सारे आपके साइंस से रिलेटेड है स्पोर्ट्स और गेम फिजिकल एजुकेशन इट डज नॉट मीन्स की ओनली यू आर प्लेइंग यू आर गोइंग फॉर ग्राउंड ठीक है आप ट्रेनिंग ही कर रहे हो अ वेरी 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 वास्ट सब्जेक्ट आपको मैं बार बार बताता हूँ और बोल भी रहा हूँ इसमें इतने सब्जेक्ट्स आते हैं आपके पास इतने स्कोप हैं लोगों के माइंड में एक चीज ही होता है कि खेलना है और वहां जीत और आगे दैट्स ऑल इट इज नॉट ओवर ठीक है इसमें आपको क्या है इज अ डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड आपको वहां पे कोर्सेज हैं उसमें आपने क्या करना है आप अपना किसी योगा ट्रेनर का डिप्लोमा कर सकते हो देन यू विल गो फॉर एनी फिजियोथेरेपिस्ट इट्स द बेस्ट नाउ फिजियो और आपको पता है इसकी डिमांड कितनी है फॉरन में बड़ी डिमांड है बहुत बच्चे करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स देन देर इज अ रीहेबिलिटेशन प्रोग्राम न्यूट्रिशन जिसको बैलेंस डाइट हम बोलते हैं न्यूट्रिशन का हर स्पोर्ट्स की फील्ड में हर गेम में आपके ये डाइट वाले आप कहीं हॉस्पिटल में चल जाओ किसी में देख लो आप डाइटिशियन वहां पे बैठे होते हैं ठीक है आजकल लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस है तो उनको डाइट चार्ज होता है दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एज ए हेल्थ रिलेटेड देन नाउ योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है वो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा बेटा डिफरेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में कॉलेज में हर जगह आपने देखा होगा कि वहां पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है अब मुझको आप में से कोई एक बताओ पहले आपके डिस्ट्रिक्ट का मेन ऑफिसर कौन होता है व्हाट बी कॉल देम जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है जी बोलो कौन बताएगा व्हाट इज द पोस्ट ऑफ इन चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ईच डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में ये पोस्ट होती है हाँ जी हाँ जी बोलो आपको बताया है मैंने पहले भी ये खुशी कशिश एनी वन से यस और नो आता है तो बोलो हां जी नहीं तो नहीं विच पोस्ट इज दैट डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ठीक है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आपके हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होती है जो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट को जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं उसका वो हेड होता है ठीक है जितनी भी आपके फंडिंग है ग्राउंड की कंडीशन है आपने टूर्नामेंट्स कराने हैं कोई भी आपको कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज है उसके जो इंचार्ज होते हैं दैट इज डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर देन आपके रिलेटेड टू जैसे आपका सीबीएसई हमारे स्कूल्स हैं इससे रिलेटेड क्या होते हैं ये आपके डीओ ऑफिस में एक स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं ठीक है हर वो डी ऑफिस में दैट इज फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट वो रेगुलेट करते हैं जितनी पंजाब की स्पोर्ट्स की गेम्स होगी आपके जितने वेन्यूज होंगे जो टीम्स जानी है उनके साथ कोचिज मैनेजर प्रोवाइड करना है ठीक है किसको ड्यूटू ड्यूटी होर्स होर्स करते हैं जो स्कूल वो उन्होंने वेन्यू चेक करना है कि होर्स कौन करेगा तो ये सारी चीजें उसमें होती है देन इफ यू गो फॉर एनी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ वहां पे डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स होंगे स्टेट का आपके स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते हैं ठीक है वो सारा रेगुलेट करते हैं स्टेट को डि, डिफरेंट जितने भी आपके डीएसओ हो गए उनको फर्दर वो ऑर्डर देते हैं जो जो आपके न्यू गवर्नमेंट से जो भी आपको स्कीम आती है बच्चों को प्रमोट करने के लिए ठीक है उनकी रिगार्डिंग डाइट के लिए इक्विपमेंट से रिले लेके आपको कोई किट देनी है बच्चों को किट देते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑनर करते हैं फिर जितने भी आपके अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है उनको क्या करते हैं ऑनर करते, है? करते हैं तो ये सारी चीजें वहां पे आपके ये सारी अंडर द गाइडेंस ऑफ दिस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ये सारी गाइडलाइंस आपकी वहां से जाती है तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस आपका रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेटर अब आपका आ जाता है नेक्स्ट इसी में आपका एज ए कैरियर दैट इज कॉम्युनिकेशन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट नावल इज वेरी पॉपुलर कैरियर एज ए कॉम्युनिकेशन इसमें आपका क्या क्या आ जाता है बेटा आप जर्नलिज्म करते हो ठीक है अगर आपकी स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज है तो आप क्या करते हो यू विल बी स्पोर्ट्स एडिटर आप किसी भी मैगजीन के लिए न्यूज के लिए वहां पर आपको पता है ना इज से डिफरेंट पेज होता है दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स उसमें आप क्या करते हो अपने आर्टिकल उसमें आप कर सकते हो आपके आर्टिकल्स आएंगे आपको मेन चांस मिलेगा इज डिफरेंट स्पोर्ट्स मैगजीन्स बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी मैगजीन्स आती हैं जिसमें आपके फिर क्या होता है अगर आप अच्छे आर्टिकल्स आप किसी भी स्टडी कर सकते हो इफ यू आर अ गुड स्टेटिस्टिशियन किसी के कैरियर पे किसी के अपकमिंग पे जितना भी स्पोर्ट्स मैन है जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे आगे आते हैं अपकमिंग उनको मीडिया से क्या होता है पॉपुलरिटी मिलती है दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए हम इसको बोलते हैं अगर आप अच्छे बच्चों को ट्रेनर्स को टैलेंटेड बच्चों को हाईलाइट करते हो उनको टीवी पे दिखाते हो उनकी न्यूज आती है कभी भी आपने देखा होगा अगर आपका किसी का भी नॉट इन ए रिलेटेड टू स्पोर्ट्स किसी भी बच्चे का अगर न्यूज पेपर में नाम आते हैं तो उनके पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है होता है ना चाहे आप गेम में हो अकेडमिकली हो कोई टेलेंट में हो किसी भी किसी भी चीज से रिलेटेड हो दैट इज अ वन ऑफ द मेन कम्युनिकेशन जिसमें आप फोटोग्राफी कर सकते हो इट इज अ वन ऑफ द बेस्ट नवर डेज आपने देखा होगा डिफरेंट एंगल से जो फोटो लेते हैं उनका कितना ज्यादा वो रेटिंग होती है आपने कई ऐसा देखा होगा क्रिकेट में आपने देखा होगा वो उतने अच्छे डिफरेंट एंगल्स को दिखाते हैं स्लाइड मारते हुए कैच लेते हुए ठीक है वो सारा रिलेटेड टू आपका फोटोग्राफी से हो गया और फोटोग्राफी इट सैरफ अरियर जो आपकी डिफरेंट पिक्स हैं अच्छी है उसको वो जितनी मैगजीन है वो उसको पिक करती है हाईलाइट करती है आगे तो देन राइटिंग हो गया बुक राइटिंग आप स्पोर्ट्स के बारे में आर्टिकल लिख सकते हो किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड यू कैन राइट आर्टिकल्स उसकी हिस्ट्री किसी स्पोर्ट्स की पर्सन की कोई इंटरनेशनल जो आपके लेवल के अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं उनके बारे में यू कैन राइट देन इट इज अ रिगार्डिंग स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ठीक है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या होता है आपका सारे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उससे रिलेटेड सारा आपका काम आ जाता है एंड यू नो बहुत जलंधर इज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पता है बेटा आप लोगों को कितने बच्चों को पता है आर्यन लेट आए हो हाँ जी यस विल नो आपको बताए वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री स्पोर्ट्स की आपकी जलंधर है जितना भी आपका वर्ल्ड में पहले एशिया में नंबर वन आपका जलंधर आता था बट ड्यू टू सम पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ठीक है सम टैक्सी तो थोड़ा यहाँ पे आपका शिफ्ट हो गया यहाँ से अदरवाइज अभी भी वन ऑफ द बेस्ट जितने भी आपका इंडस्ट्री रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हैं वो इज हब ठीक है यहाँ पे आपके हर गेम के इक्विपमेंट बनते हैं हर चीज का यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड सामान बनता है तो ये एक एज ए इंडस्ट्री भी कर सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटीज हैं आपके पास नॉलेज है आपके पास जगह है आपके पास कोई अच्छा ठीक है मैकेनिक है कोई भी किसी से रिलेटेड इसको नॉलेज है यू कैन डेथ योर ओन इंडस्ट्री एंड इट्स अ वेरी गुड कैरियर ठीक है तो इसमें बाकी स्पोर्ट्स मार्केटिंग हो गया अगर आपने क्या करना है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं हम इट इज वन ऑफ द बेस्ट अगर आप कोई भी इक्विपमेंट है स्पोर्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं आपको पता होगा इंडिया से बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का जलंधर से यहाँ से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट होता है कुछ एक इंडस्ट्रीज आपकी यहाँ पे ऐसी है जिनका सारा टोटल नॉट ए सिंगल पीस वो इंडिया में देते हैं सब एक्सपोर्ट होता है फुटबॉल के यहाँ पे दो तीन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं बेटा जिनका सारा फुटबॉल फॉरन जाता है और वो डिमांड पूरी भी नहीं कर पा रहे ठीक है।, है तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये इतने सारे आपको कैरियर है आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो है नहीं तो ये आपका सारा हो गया कैरियर कैरियर से रिलेटेड इसमें कोई डाउट तो नहीं है दिस इज ऑल रिलेटेड टू कैरियर नेक्स्ट आपका जाता है बेटा खेलो इंडिया खेलो इंडिया का आपको सबसे मेन ये पता होना चाहिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में ठीक है स्टार्ट की है अंदर मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स आपका जो मेन है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ठीक है के आई एस जी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका मेन मोटिव क्या है मेन मोटिव ये है कि आपने टैलेंट को ठीक है और हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को सारे प्रमोट करना है सो दैट वी कैन ब्रिंग ए मोर टैलेंट इन नेशनल लेवल ठीक है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो गांव में विलेज में वहां पे ना आपको इक्विपमेंट है ना वहाँ पे आपको कोई कोचिज है बट दे हैव अ गुड टैलेंट आपको पता है अभी जलंधर से एक लड़का आपका हंड्रेड मीटर का बेस्ट एथलीट बना है हाँ जी किसी को पता है नहीं पता है बेटा बहुत ही टैलेंटेड लड़का है आज तक की हिस्ट्री में पंजाब से आपके हंड्रेड टू हंड्रेड मीटर के रेस में बच्चे नहीं जाते थे नेशनल लेवल पे एंड गुरविंदर सिंह ही ब्रेक द हंड्रेड मीटर रिकॉर्ड ठीक है वो यहाँ पे एक बहुत अच्छे आपके एथलेटिक के कोचिज हैं उनके गाइडेंस में बहुत अच्छे लड़के हैं जो यूथ में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ठीक है तो उनमें से गुरिंदर भी है जिसने हंड्रेड मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टैलेंट ये टैलेंट कहीं पे ही बिलोंग्स टू विलेज नियर बाय विलेज तो ये सारे आपके खेलो इंडिया का मेन मोटिव इन्होंने यही था कि जितने भी आपके ऐसे विलेजेस हैं जहां पे कोई कोच नहीं है ठीक है वहां से लड़के हैं बड़े अच्छे हैं उनको टैलेंट को देख के उनको आपने अच्छे लेवल पे एक अच्छा एटमोस्फेयर देना अच्छा इक्विपमेंट दे के कोचिज के पास भेजना सो दैट दे कैन ब्रिंग द मेडल इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया खेलो इंडिया के लिए दे बिकम सम स्ट्रक्चर ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम उनका मेन मोटिव यही था कि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा एक आपको एनवायरमेंट देना है सो so दैट सारे बच्चों के लिए क्या और मेन बेटा जो मोटिव था हमारा वो क्या था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब ये उन्होंने एक मोटो दिया ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मोटो ऑफ खेलो इंडिया ठीक है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब पहले हम बोलते थे ना ना नवाब अब उसको लाजवाब बोल दिया उन्होंने ये बहुत पुरानी एक वो है कहावत तो बट उसको उन्होंने लाजवाब कर दिया कि जो अगर आप खेलोगे अभी भी बहुत से लोगों में बहुत पेरेंट्स में एक मेंटल लेवल बन गया है कि अगर आप कोई भी बच्चा खेलता है या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसका कोई कैरियर नहीं है ये सबके माइंड में होता है ठीक है तो वो क्या करते हैं बच्चे में टैलेंट भी है उसमें पोटेंशियल भी है बट उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसका वो रियल हकदार है जो जहां पे उसको होना चाहिए आपको पता है ना हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है हर बच्चे में अपना कोई टेलेंट कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं बट हमने उसको अर्ली स्टेज पे पिक करना है इसी के लिए बेटा इसमें खेलो इंडिया में उन्होंने आपको टू थ्री उन्होंने स्किल्स दी हैं वो जब आप लोग स्कूल आओगे ठीक है फिर आप लोग वो सारे करोगे उन्होंने डिफरेंट एज ग्रुप डिफरेंट आपके क्लासेस को डिवाइड करके उन्होंने एक बनाया है कि आपने बच्चों के टैलेंट को कैसे सर्च करना है और स्कूल में दैट इज कंपल्सरी जब भी आपके रीओपन स्कूल होंगे थ्रू आउट इंडिया में इट इज कम्पल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्कूल टू कंडक्ट खेलो इंडिया बैटरी ठीक है उसमें आपको डिफरेंट टेस्ट उन्होंने दिए हैं वो आपने फर्स्ट टू थर्ड वाले बच्चे को करने थ्री टेस्ट हैं। ठीक है ठीक है उसमें आपने क्या करना है रिफ्लेक्सिस चेक करने है उसकी उसकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी चेक करनी है जैसे आपने क्या एक सिंपल है आपने वन लेक को होल्ड करना है ऐसे और हैंड सेट दूसरे को टच करना है लेग को तो और आपने उसको अपनी बॉडी को स्टेबल करना है तो उससे आपका वो बैलेंस चेक है करते हैं फ्लैमिंगो टेस्ट ठीक है देन टैपिक टेस्ट होता है दो आपको प्लेट ही रख देंगे उसको आपने राइट हैंड ऐसे उसको मारना इधर उधर रिफ्लेक्स मीन कितनी फास्ट आपकी मूवमेंट है ये सारा उन्होंने एक बनाया है पूरा वो आपको इम्प्लीमेंट होगा जब आप लोग आओगे बट उनका मेन रोल क्या है कि प्ले फील्ड डेवलप करना है ठीक है देन जो कम्युनिटी है वहां पे कोचिंग डेवलप करना है जो छोटे छोटे सेंटर है कम्युनिटीज हैं जैसे आपने देखा होगा नावर डेज कोई भी अगर आप नए कोई भी प्लॉट वगैरह निकालते हैं ना वहाँ पे हम कॉलोनी निकालते हैं वहां पे वो क्या करते हैं वहां पे हमने जिम बना दिया है जी इंडोर आपको खेलने के लिए स्विमिंग पूल बना दिया है दैट इज रिलेटेड टू फिटनेस हेल्थ क्लब हो गया है तो ये एक पार्ट हो गया है आप सोसाइटीज में इफ यू गो फॉर एनी मेट्रोपोलिटन सिटीज वहां पे क्या आप यहाँ पे भी देख लो जलंधर में भी जितने भी आपके न्यू कैलोनी वगैरह बन रही हैं तो वहां पे ये प्रोविजन उन्होंने रखा है कि जितने भी लोग हैं वहां के उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड कोई जिम हो गया आपका स्विमिंग पूल हो गया इनडोर स्मॉल गेम्स हो गई है बैडमिंटन कैरम बास्केटबॉल ठीक है ये सारी चीजें रखनी सो दैट कि लोग बिजी रहे वो अपना कोई ना कोई फिटनेस का काम करते रहे तो इसमें देन स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर बनाने पहले आपने कम्युनिटी के बनाने पहले ग्राउंड लेवल से शुरू करना है मेन मोटिव क्या है कि हमने ग्राउंड लेवल से छोटे छोटी जगह से शुरू करना है फिर कम्युनिटी सेंटर पर पकड़ने आपने फिर स्टेट लेवल तक जाना है देन आपकी पूरा एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन आपके होंगे देन टैलेंट सर्च प्रोग्राम होगा ये सारी चीजें खेलो इंडिया में उन्होंने प्रमोट की है मेन मोटिव क्या है हमारा मेन मकसद क्या है इसका कि हमने जो टैलेंट है जो ऐसी जगह पे टैलेंट है जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है बच्चों के लिए हमने उसको पिक करना है ठीक है उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देना है और उस बच्चे के पोटेंशियल को देख के हमने उसको डिफरेंट गेम में डाल के उससे हंड्रेड परसेंट उसका लेना है सो so दैट वो आपकी कंट्री के लिए कोई मेडल लेके आ सके दिस इज द मेन मोटिव देन आपका इसी में डिफरेंट मैंने आपको बताया टेस्ट बैटरी है वो आपके प्रैक्टिकल ज्यादा है जब आप लोग आओगे ठीक है तो हम आपको वो सारी प्रैक्टिकली सारी बैटरी जो है वो सारी करवाएंगे उसमें सिटअप हैं ठीक है गर्ल्स के लिए बैंड करके सीटअप्स हैं नीज को नीज को आप ग्राउंड में टच कर सकते हो देन पुशअप्स फॉर बॉयज हैं दैट इज मोडिफाइड देन पार्शियल कर लें जैसे आप सीटअप करते हो वहां पर एक आपको मार्क दिया होता है अकॉर्डिंग टू दैट आपने वो सारा काम करना होता है तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में होगी सेकंड चैप्टर बेटा हमारा टोटली रिलेटेड विद ओलंपिक्स गेम्स है ठीक है उसमें आपका मेन है एशियंट ओलंपिक गेम मॉडर्न ओलंपिक गेम देन पैरा ओलंपिक गेम विंटर गेम्स ठीक है देन स्पेशल ओलंपिक गेम्स इस चीजों इन पांचों का आपको मेन पता होना चाहिए एशियंट ओलंपिक गेम्स एज यू नो जो सबसे पुरानी है सेवन सेवनटी सिक्स बी सी आपकी जो स्टार्ट हुई है उसके बाद आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम आ जाता है दैट इज 1896 फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम पेरन पेरी डी कॉपरटिंग ये आपने याद रखना है नेम थ्रू आउट किसको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम बेरी पेरन डी कॉपर ठीक है जिन्होंने एफर्ट्स करके ये सारा मॉडर्न ओलंपिक का सारा सिस्टम शुरू किया था ये आपका नाइन एटीन नाइनटी सिक्स में हो गया है उसके बाद आपका पैरा ओलंपिक गेम्स हो गई पैरा ओलंपिक गेम्स आपको पैरा ओलंपिक का पहले मतलब पता होना चाहिए ठीक है पैरा ओलंपिक गेम्स क्या है जो डिसेबल पर्सन कोई भी हो होगी है अर्लियर इसका बेटा आपको नट साल में मोटो मोटिव क्या था इनका वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं किसी का कोई भी हो गई है तो उन्होंने क्या काम शुरू किया कि जितने रोग ऐसे हैं उनके लिए कोई ऐसा इवेंट कोई उनको ऐसा मोटिवेशन हम दें सो so दैट वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने एक गेम्स उनके लिए शुरू स्टार्ट किया कि डिफरेंट स्पोर्ट्स एक ऐसा एक कोई भी आप प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स का एक ऐसा होता है जहां पे आप सारे अपने इमोशन सारे अपना स्ट्रेस को भूल के आप वहां पे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आप सब कुछ अपना भूल के यू जस्ट प्ले आपका एक ही मोटिव होता है कि हमने ये खेलना है करना है नथिंग एल्स उन्होंने इसको माइंड में रखते हुए जितने भी इंजर्ड हुए थे वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये शुरू किया कि उनको हम डाइवर्ट करते हैं उनका माइंड को तो उनके लिए एक स्पेशल उन्होंने गेम फिजिकल एक्टिविटी शुरू करी आफ्टर दैट वो रेगुलर पार्ट होगी है जब सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने क्या किया इसको एक पार्ट बना दिया और इसको एज ए पैरा ओलंपिक स्टार्ट कर दिया 1960 में उसके बाद जितने भी डिसेबल्ड दिसेबल, डिसेबिलिटी किसी भी कारण एक्सीडेंट कोई बार कुछ भी है वो सारे प्लेयर उसमें इन्वॉल्व होते हैं और डेट इज ए इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट होता है जिसको हम पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं और आपके इंडिया के बहुत से बच्चे हैं अभी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में बहुत ज्यादा मेडल लिए ठीक है बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है देन स्पेशल ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक बेटा सिर्फ उनके लिए होता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं कोई डिजीज जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे हो गए हैं ठीक है कोई डिसऑर्डर और्ड, मेंटल का उनका प्रॉपर नहीं है इनके लिए सबके लिए उन्होंने डिफरेंट बेटा रूल बनाए हैं ग्राउंड का कंडीशन जो जैसा डिसेबल है उसके लिए वैसे इक्विपमेंट रखे हैं आपने देखा होगा इसलिए अभी सीन एनी पैरा ओलंपिक गेम्स चेयर्स पे वो बास्केटबॉल व्हील चेयर होती है बास्केटबॉल खेल रहे हैं व्हील वी, चेयर पर बैठ के पुट कर रहे हैं ठीक है और आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा जिस एक एथलीट के दोनों लेग्स नहीं है वो आर्टिफिशियल डाल के और उसकी जो स्प्रिंट है इवेंट है मतलब आप सोच भी नहीं सकते उसको देख के कि इतनी तेजी भाग रहा है तो ये ऐसे से बहुत सारे एथलीट हैं जिनको कोई डिसेबिलिटीज हुई है बट दे हैव शोन देयर स्ट्रेंथ

वो इसलिए होती हैं, सो दैट आप हर साल अपना जो टैलेंट है ठीक है जितने भी आपके टैलेंटेड बच्चे हैं आप उनको कर रखते हैं सारे हु इज दैट नीटू ये कौन है बीच में पत्ती का आटा हाँ जी बेटा ये सारे दिस इज रिगार्डिंग योर ओलंपिक बेसिक्स जो हमारे ओलंपिक्स गेम कौन कौन से होते हैं फर्दर इसमें बेटा क्या है जो आपका मॉडर्न ओलंपिक गेम है उसकी हिस्ट्री देन आपका मेडल कौन से होते हैं ठीक है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज देन विक्ट्री सेरामनी आपकी राइट right साइड पे ऑलवेज जो सेकंड पोजीशन वाला होता है लेफ्ट साइड पे थर्ड वाला होता है पोजीशन वाला देन आपका मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या होता है और विंटर में जो मेन मोटिव है जो मोटो है हमारा ओलंपिक गेम्स का वो आपको पता होना चाहिए दैट इज सी टी एस ऑलटीएस टी एस सी टी एस फास्टर ठीक है हायर एंड स्ट्रोंगर सी टी एस अलटीएस फोर्टीएस मीन फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर दिस इज द मेन मोटिव जो आपका मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स है और फिर आपका इसमें ओलंपिक फ्लैग जो आपका रिंग होता है दैट इज ए फाइव रिंग इंटर रिलेटेड इंटरलॉक विद ईच अदर एंड दैट विल शो डिफरेंट फाइव कॉन्टिनेंट ठीक है वो आपका रिंग रिलेटेड होता है जैसे आपका ब्लू रिंग है दैट इज रिलेटेड टू यूएसए ब्लैक फ्रॉम अफ्रीकन ठीक है फिर आपका ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आ जाता है दैट इज रेड कलर येलो कलर इज फॉर एशियन कॉन्टिनेंट एंड ग्रीन फॉर यूरोपियन कंटिनेंट ये डिफरेंट आपके कलर्स डिस्ट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग योर कॉन्टिनेंट उसके बाद आपका ओथ होती है अवार्ड हो गए इसमें देन क्लोजिंग सेरेमनी होती है टॉर्च का मेन रोल होता है जो हम फ्लेम करते हैं ओलंपिक टॉर्च वो आपके मंथ्स पहले वो उसको पूरे कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज में वो टॉर्च जाती है डिफरेंट एथलीट उस कंट्रीज के उसको लेके भागते हैं हर अपने कंट्रीज में उसके बाद वो होस्ट जो होता है वहां पे उसको लेके आते हैं अवार्ड्स के बाद इसका मेन वैल्यूज जो है क्या है सबसे मेन वैल्यूज हम ओलंपिक से क्या सीखते हैं फ्रेंडशिप ठीक है मेन होगा फ्रेंडशिप देन सॉलिडेरिटी देन फेयर प्ले एंड फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ये आपके मेन फोर वैल्यूज हैं जो हम लर्न करते हैं ठीक है यू कैन एक्सप्लेन देम इजिली फेयर फ्रेंडशिप का मतलब है कि आपने एक दूसरे से कॉपरेशन करनी है ठीक है फ्रेंडली एटमोसफेयर देना हेल्दी हेल्थी जिसको हम बोलते हैं दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स देन कि आपने फीलिंग ऑफ ब्रदरनेस ब्रदरहुडनेस अमंग द ईच एंड एवरी प्लेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आपने ये नहीं सोचना है कि दूसरी कंट्री का है ठीक है आप वहां पे एक प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का वहां पे आप यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री देन आपका फेयर प्ले मींस आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो अन जहां पे अनफेयर मींस जिसको हम बोलते हैं ठीक है जिससे आपके कंट्री का आपका किसी का भी नाम या आपका खराब ना हो

डिसीजन दे आर टेकिंग इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ठीक है उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है जितने भी आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है इंडियन और इंटरनेशनल जो आपकी ओलंपिक कमेटी है उसका मेन रोल होता है दैट इज आई ओ सी अगर कोई भी अनफेयर मींस अगर ऐसा यूज करता है तो उसको वो डिसक्वालीफाई कर देते हैं अगर उसका मेडल आया तो वो भी उसको वापस करना होता है और उसको सम टाइम लाइफ टाइम बैन कर देते हैं समटाइम उसको कुछ ईयर्स के लिए बैन कर देते हैं एज यू नो अगर किसी को भी हम दो तीन साल के लिए बैन कर देते हैं दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है तो ऑटोमेटिकली एक दो साल में कैरियर खत्म हो जाता है तो डोंट यूज सच टाइप ऑफ अनफेयर मीन्स इसमें लास्ट आपका आ जाता है बेटा दो दैट इज ए डिफरेंट एसोसिएशन एक आपका हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों का रोल क्या है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने रूल फ्रेम करने होते हैं हर साल ओलंपिक कराना है ठीक है उसके रूल रेगुलेशन बनाने हैं उसको कहाँ होस्ट करना है उसके डिफरेंट मेंबर्स आपके होते हैं ठीक है, है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उनका मेन रोल होता है कि आपने स्मूथली ओलंपिक को कंडक्ट करना है उसके लिए ईच एंड एवरी वेन्यू पे वो विजिट करते हैं कि आपका जो वर्क है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो दैट इज अप टू द वर्ल्ड क्लास अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओलंपिक कमिटी वो सारी चीजें वॉच आउट करते रहते हैं उस कंट्री में विजिट करते हैं जहां पे आपका ओलंपिक गेम्स होनी है उसके सारी चीजों को देख के ही दे गिव द ग्रीन सिग्नल और उसको जब भी किसी कंट्री को वो होस्ट के लिए करते हैं देते हैं तो उसको पहले देखते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वहां का क्या सिस्टम है ईच एंड एवरीथिंग दे गो थ्रू तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग कमेटीज ठीक है सेम जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनका काम होता है जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना जो ओलंपिक कमेटी के तो ये आपके फर्स्ट टू चैप्टर बेटा आपको आएंगे And this is all regarding today's lecture.